ओएलएक्स फ्रॉड्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि कैसे लोग आपके प्रोडक्ट को देख के उसे परचेज करने की इच्छा जताते हैं और फिर ऑनलाइन पेमेंट्स करने के जरिए आपके अकाउंट से कई पैसे डिडक्ट कर लेते हैं। तो चलिए ऐसे ही फ्रॉड्स के बारे में और अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले है UPI फ्रॉड्स। इसमें होता ये है कि बायर्स आपको एक SMS सेंड करता है जिसमें वो ये जताता है कि उसे आपके प्रोडक्ट को परचेस करने में इंटरेस्ट है, तो वो आपको एक SMS के थ्रू लिंक शेयर करता है जिसमें आपको अपना UPI पिन डालना होता है, और अगर आपने अपना UPI पिन उसमें डाल दिया तो आपके बैंक से पैसे कट जाते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप तुरंत उस व्यक्ति के साथ इंटरेक्ट करना बंद कर दें। दूसरा है कि वो एडवांस पेमेंट के लिए आपसे डिमांड करते हैं। इसमें जो बायर है वो कुछ रीजंस देके एडवांस में प्रोडक्ट मंगाते हैं, या तो कभी कभी फेक पेमेंट प्रूफ शो करके उसको ये यकीन दिलाते हैं कि बायर्स के साइड से पेमेंट तो हो चुका है, तो कुछ देर में वो पैसे सेलर के पास क्रेडिट हो जाएंगे। ऐसे में आप बिल्कुल सतर्क रहें और बिना पेमेंट रिसीव हुए आप उन तक प्रोडक्ट ना पहुंचाएं। दूसरा ये है कि कभी कभी बायर्स नॉन कैश मेथड को इंसिस्ट करते हैं और बोलते हैं कि वो चेक के थ्रू पेमेंट्स करेंगे। ध्यान रखें कि चेक बाउंस भी हो सकता है, तो कभी भी इस मेथड को इनिशिएट ना करें। लास्ट में मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि अगर आपको बायर फ्रॉड्स लगते हैं तो आप प्लीज़ उनके प्रोफाइल को विजिट करें चैट विंडोज़ के थ्रू, और टॉप राइट के 3 डॉट्स को टैप करके रिपोर्ट यूज़र में टैप कर दें। थैंक यू।